हेलो गाइस, वेलकम टू स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर। और मैं अंकित गुप्ता आज आपको लेके आया हूँ अपनी कुल देवी श्री बेलोन माता। आज की जर्नी में मेरा साथ देने मेरे पापा साथ में आए हैं, तो हम दोनों साथ में आए हैं और आज आपको बेलोन माता के दर्शन कराएंगे। तो चलिए आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। बेलोन जाने के लिए आपको आनंद विहार बस टर्मिनल से बदायूं वाली बस मिल जाती है जो आपको बेलोन और नरोरा दोनों छोड़ सकती है। तो मान्यता के अनुसार बेलोन माता के दर्शन करने से पहले हमें यहाँ गंगा में स्नान करना होगा, तो हम यहाँ सबसे पहले नरोरा घाट पे जाएंगे जो कि नरोरा में स्थित है और ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सारा डिवाई से थोड़ा सा आगे है। नरोरा से 2-4 किलोमीटर पहले ही बेलोन गाँव है जो कि माता का स्थान है। दिल्ली के लोगों के पास गंगा स्नान के लिए कोई बेटर ऑप्शन नहीं रहा, तो मैं आज आपके लिए एक नया ऑप्शन लेके आया हूँ जो कि दिल्ली से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है और यह है नरोरा घाट। और सच में यहाँ आपको भीड़ भी थोड़ा सा कम मिलेगी, बट आज मैं फेस्टिवल के टाइम पर आया हूँ और इस फेस्टिवल की वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आज के दिन गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए आज यहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई है। तो आप छोटी गंगा के अलावा यहाँ भी विजिट कर सकते हो। यहाँ बहुत अच्छे से घाट बनाए हुए हैं और यहाँ बहुत अच्छे से आपको स्नान कर सकते हो। अब हम चलते हैं बेलोन गांव की तरफ जहां हम दर्शन करेंगे श्री सर्व मंगला माता के। जो मंदिर के बारे में बताओ कुछ। मंदिर तो मेरा जन्म भी नहीं है, उससे पहले मंदिर है। यहाँ पे बहुत 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 दूर के लोग आते हैं और उधर दिल्ली तलक के लोग आते हैं, हरियाणा तक के। तो बेलोन माता के बारे में कुछ बताओ। बेलोन माता तो हमारी माता ही है। अच्छा, हाँ, तो शुद्ध माता। तो यहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं? क्या क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता बेलोन के कर्णवास की माता नरोरा कलकत्ती घाट है। बेलोन गांव किसी समय में बेल के पेड़ों का वन हुआ करता था जिसकी वजह से इसका नाम बिलवन होता था और बाद में इसका नाम बदलकर बेलोन कर दिया गया। अब के टाइम में तो वहां बेल के जो भी पेड़ थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं और यहां एक बहुत अच्छा सा गांव बस चुका है और गांव के बीचों बीच माता श्री सर्व मंगला का मंदिर है जो यहाँ बेलोन माता के नाम से भी जानी जाती हैं और असल में उनका नाम श्री माता सर्व मंगला है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करने के लिए आए हुए थे गंगा के पश्चिमी घाट पर। तो माता यहाँ एक शिला पर बैठ जाती हैं विश्राम के लिए और भोलेनाथ बाबा भी यहाँ साथ ही में एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो जाते हैं। और कुछ समय बाद देखा जाता है कि एक छोटा सा बच्चा आके माता के पैर दबाने लग जाता है। तो जब माता की आँख खुलती है और माता देखती हैं कि ये बच्चा आखिर कौन है क्या है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और माता कुछ समय तक उस बालक के साथ यहाँ रुक जाती हैं। तो बाद में भगवान भोलेनाथ माता को कहते हैं कि आपको इस बालक के साथ यहाँ विराजमान रहना चाहिए और आपको इस जगह के सभी बच्चों का मंगल करना चाहिए। तो उस समय से माता उस शिला में वास करती हैं और तो उसी समय से यहाँ एक शक्तिपीठ बन जाती है। और समय बीतने के बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी यहाँ आते हैं और एक राक्षस को मारने के बाद जब वो गंगा स्नान करके यहाँ के मंदिर में माथा टेकने आते हैं तो उन्हें दिखता है कि यहाँ एक शिला है लेकिन मूर्ति नहीं है। तो भगवान बलराम यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करते हैं और उस समय से यहाँ माता की स्थापना हो जाती है। फिर और कुछ समय बदलता है जब कलयुग आया, यहाँ एक बार फिर से भूस्खलन हो गया और भूस्खलन की वजह से यहाँ वो मूर्ति जो थी वो ज़मीन में दब गई। फिर कुछ समय बाद जब यहाँ पर लोगों ने खुदाई की तो ये मूर्ति निकली और मूर्ति का एक पैर बताते हैं कि उसका कोई छोर नहीं मिला है अभी तक और इस वजह से ये कहा जाता है कि ये माता का जो एक पैर है वो पाताल लोक में है, जिस वजह से यहाँ की मूर्ति को
हटाना और हिलाना भी असंभव है। यहाँ पर माता को नारियल और चुन्नी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो यहाँ माता पार्वती सबके मंगल करने के लिए श्री सर्व मंगला माता के रूप में विराजमान है। सभी के मंगल कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर नवरात्रे और सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाती है, और आज मैं आया हूँ तो आज भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ अंदर दर्शन तो हो गए लेकिन फ़ोटो वीडियो बनाना यहाँ मना है, तो इस वजह से हम यहाँ पर फ़ोटो वीडियो नहीं ले पाए हैं। आप भी यहाँ आएँ और माता के सामने अपनी इच्छा रखें, अपनी मनोकामना मांगें, आपका भी मंगल होगा। जय सर्वमंगला माँ। इसी के साथ हम यहाँ अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। जय माता की। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई जर्नी के साथ। तब तक देखते रहिए स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर।